दोस्तों कल की 2898 एडी ओवरसीज रिकॉर्ड ब्रेकिंग कलेक्शन, ये कलेक्शन नहीं ये हेटर्स के मुंह पे तमाचा है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका कल की 2898 एडी के ओवरसीज के अपडेटेड एडवांस बुकिंग के एपिसोड में। वहीं इसके अलावा, जैसा कि गाइस आप लोगों को ये बात तो पता ही होगा कि कल भैरवा एंथम सॉन्ग का प्रोमो आया था और आज सॉन्ग आने वाला है, लेकिन कब आने वाला है भाई आपका भाई बताएगा ना। हालांकि कुछ घंटे बाद ही आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली क्या रिलीज टाइम में बताऊंगा। वहीं इसके अलावा गाइज, एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग कह रहे थे कि नॉर्थ में नहीं है इसका हाइप, तो देखना अभी दिखाऊंगा। तो करते हैं गाइज अपने इस एक्साइटिंग वीडियो को शुरू, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ भी बोलूँ, आपको एडवांस की रिपोर्ट बताऊँ या फिर वो जो वीडियो मैंने जो आपको कहा था दिखाऊंगा, या फिर गाइज भैरवा के एंथम सॉन्ग की बात करें, भाई साहब उससे पहले इस पोस्टर की तो बात कर लो। भाई साहब भैरवा का गाइज ये जो लुक है, ये नया जो गाइज पोस्टर है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आग मचा रहा है। गाइज बिल्कुल ही बुजी के आगे खड़े हैं दोस्तों भैरवा। आप लोग कह सकते हो कि यार मजेदार जबरदस्त गाइज ये पोस्टर लग रहा है, इनका जो पोस्ट है गजब है। तो गाइज ये जो पोस्टर है ये आज रिलीज हुआ था, और कहीं ना कहीं इसी के साथ इसके सॉन्ग के रिलीज टाइम के बारे में दोस्तों बताया गया। आप लोग कह सकते हो कि 8 बजे, गाइस 8 बजे भैरवा एंथम सॉन्ग जिसको गा रहे हैं नन अदर देन बेहतरीन लेजेंडरी सिंगर दिलजीत दोसांझ। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि गाइस ये जो सॉन्ग है ये मूवी में होगा या फिर जस्ट एक प्रमोशनली सॉन्ग, क्योंकि गाइस पंजाबी सॉन्ग हिंदी ऑडियंस को बहुत अच्छे लगते हैं, और कहीं ना कहीं अगर ये जो सॉन्ग चल जाए तो मजा ही आ जाए। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि गाइस क्या यहाँ पे प्रभास इस गाने में लिपसिंग करेंगे, क्योंकि मुझे तो टिपिकल पंजाबी वाइब दे रहा है ये सॉन्ग। बिल्कुल ही गाइस जट टाइप का सॉन्ग होगा, वो तो एक डेढ़ घंटे बाद पता चली जाएगा। बहरहाल गाइस यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं मेन अपडेट के ऊपर, और वो है एडवांस बुकिंग। देखो भाई एडवांस बुकिंग की दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं, तो मैं लास्ट टाइम आपको 1.5 मिलियन कुछ बोल के गया था, उसके बाद मेरा चैनल थोड़ा हैक हो गया था, थोड़ा ही हुआ था क्योंकि बहुत जल्दी वापस आ गया आप लोगों की मेहरबानी के वजह से। तो गाइस आप लोग कह सकते हो कि आउटस्टैंडिंग। जी गाइस यहाँ पे इसके जो एडवांस है अप्रॉक्सीमेटली भाई 2.25 मिलियन US डॉलर दोस्तों पहुंच गया, यानी कि 1.7 मिलियन+ US डॉलर। इसको गाइस अगर आप लोग कन्वर्ट करते हो तो भाई साहब लगभग 14.5 करोड़, आप लोग 15 ही करोड़ मान लो कि हो गया है। इसने 15 करोड़ एडवांस में दोस्तों कर लिए, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें से नॉर्थ अमेरिका के जो नंबर है वो 1.5 मिलियन से प्लस है, बाकी जो नंबर है यूके, ऑस्ट्रेलिया, इवन अब तो जर्मनी वगैरह में दोस्तों खुलने चालू हो गए। मूवी को रिलीज होने में ज़्यादा समय नहीं बचा, आप लोग कह सकते हो कि 11 दिनों में दस्तक दे देगी। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि 2.6 मिलियन US डॉलर जो सलार का था नॉर्थ अमेरिका में, क्या उसका रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा। मुझे तो लग रहा है गया भाई, लेकिन बाहुबली के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए इसको काफ़ी मिन्नतों का सामना करना, मतलब बहुत गाइस कह सकते हैं कि हार्ड है, लेकिन अगर हो जाए तो क्या बात है। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके का कुछ सीन सिनारियो। अब देखते हैं कि असली प्रॉपर रिपोर्ट कब आते हैं, क्योंकि यूके के गाइस प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं आ रहे कि कितने टिकट सोल्ड आउट हुए और कहाँ कहाँ कितने शोज लोकेशन, लेकिन आप लोग कह सकते हो कि लास्ट टाइम एक फ़ोटो आया था जिसमें 11,000 तुरंत खुलते ही इसके टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। तो इस तरीके के गाइस कुछ सीन, इस तरीके का किस सिनारियो मैं आपको गाइस अब दिखाना चाहता हूँ वो वीडियो, जिसको देखने के बाद आप लोग बोलोगे कि भाई नॉर्थ में भी क्रेज़ है भाई है। तो गाइस यहाँ पे ये वीडियो आप लोग देख सकते हो कि कैसे जयपुर में, गाइस जयपुर पिंक सिटी में भाई बुज्जी चल रही है, बुज्जी। गाइस नॉर्थ इंडिया के इस शहर में भाई बुज्जी बाकायदा दोस्तों पुलिस प्रोटेक्शन के साथ चल रही है। भाई कितनी बड़ी लग रही है दोस्तों ये गाड़ी, आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हो, आउटस्टैंडिंग। मतलब गाइस बुज्जी ने जिस तरीके से मूवी का प्रमोशन किया है, मुझे लगता है कि यार ये बहुत खतरनाक स्ट्रेटेजी थी नाग अश्विन की। मूवी में भी इनका बहुत बड़ा गाइस कह सकते हैं कि मतलब इम्पैक्टफुल रोल होता हुआ दिखाई देगा इस गाड़ी का। तो आप लोग कह सकते हो कि इस तरीके का गाइस कुछ सीन, इस तरीके का कुछ सिनारियो। सॉन्ग आएगा कुछ घंटे बाद में, मतलब 8 बजे आ रहा है, तो अब ये वीडियो आप तक कब पहुँचेगा पता नहीं, लेकिन मैं जल्द से जल्द उसका रिव्यू देने की कोशिश करूंगा। नए घर में शिफ्ट हुआ है, नए स्टूडियो में थोड़ी आवाज़ भी गूंज रही है, तो थोड़ा काम चलाओ जल्दी गाइस, आपको इको फ्रेंडली ये स्टूडियो भी मिलेगा। तो बताओ क्या है कहना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।